अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब A1 फर्स्ट क्लास होंगे जनाब। तो ये रही मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ये रही मेरी मेकअप वीडियो। जी, मेकअप वीडियो फॉर दोस्त जिनको मेकअप करने का बहुत शौक होता है बट दे डोंट नो इवन दो हाउ टू पिक अप अ मेकअप ब्रश। जी बिल्कुल, तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए आज का मेकअप ट्यूटोरियल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। येस, सो दिस इज़ अ लुक जो कि मैंने अचीव की है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। गर्ल्स, सो आई रियली वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके मेकअप में बहुत अहमियत रखती हैं, जिसमें आपके लेंसेज, मस्कारा, ब्राउन शेड एंड आईब्रो सेटिंग आ जाती है जनाब। ये चार काम आपने किए तो ट्रस्ट में यू गोना बी लुक परफेक्ट। बिल्कुल, फॉर दैट आई एम यूजिंग रिवाज UK की फाउंडेशन शेड नंबर 01। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है उठाएं और उसको यूज़ कर लें। ठीक हो गया जी, विदाउट एनी प्राइमर, कोई भी नहीं, बस बेसिक सा इजी सा मेकअप आज आपको मैं बताऊंगी। फिंगर टिप्स की हेल्प से आई एम अप्लाइंग दैट फाउंडेशन ऑन माय आई, अंडर आई, एंड आपके पास अगर कोई ब्रश है तो आप उससे अप्लाई कर लें। अच्छा जी, अप्लाई करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। ओके, ब्लेंडिंग में आप बहुत ज़्यादा स्मूथली लेके चलेंगे, राइट? आपने बहुत ज़्यादा इसको हार्डली नहीं चलना, ठीक है? एक तो आई सेंसिटिव एरिया होती हैं। सो आई एम डन विद द ब्लेंडिंग। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर को आपने अच्छे तरह से अपने आईज़ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है अप्लाई करना है। एंड देन वंस अगेन आप उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, और आपके पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर में एक स्पंज मिलता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो पफ को। तो इस तरह से उसको टैप टैप करना है एंड अपनी आईज़ पर प्रॉपर सेट करना है कि फाउंडेशन बैठ जाए। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि अच्छी तरह से जो आपकी फाउंडेशन है वो सेट हो जाए एंड जो शेड्स हैं उस पर अच्छे तरह से उसके पिगमेंटेशन जो है वो शो हो। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दीज टू थिंग्स जी, हुदा ब्यूटी की ब्लैक पेंसिल एंड बहुत ही कॉमन सा आईब्रो ब्रश सेटर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज आई लव ब्लैक आईब्रोज़, तो उसके लिए मैं ब्लैक पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ आईब्रो जेल। आपके पास है तो आप यूज़ करो, बट पेंसिल तो एटलीस्ट सबके पास होती है, क्योंकि ये मैं आपको 2 मिनट्स मेकअप बता रही हूँ जो आपको जल्दी से करना होता है कहीं पर भी जाने के लिए, बेसिक चीज़ें। इसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने अपनी आईब्रो फिल की। अच्छा, इसकी एक टिप देती चली जाऊँ गर्ल्स आपको कि कभी भी स्टार्ट से जो है आप आईब्रो को डार्क नहीं लेके चलोगे। स्टार्ट में आपकी आईब्रोज लाइट ही रहेंगी एंड देन फर्दर आपका जो पीक आर्च एरिया होता है वहाँ से आप उसको डार्क करोगे एंड ऑल अराउंड आप उसको ब्रश कर दोगे। तो अच्छी तरह से आपने अपनी ब्रश आईब्रो जो है वो ब्रश कर लेनी है। एंड अगर आपकी आईब्रो का ब्राउन या लाइट में कलर तो डेफिनेटली यू विल नॉट यूज़ अ ब्लैक पेंसिल, यू विल यूज़ अ ब्राउन या लाइट ब्राउन्स में आप कोई भी शेड अप्लाई कर लो या कोई भी आईलाइनर आईब्रो ब्रश जो आईब्रो जेल होती है वो अप्लाई कर लोगे। तो मेरा नेचुरल कलर आईब्रो का ब्लैक था, जेट ब्लैक, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्लैक पेंसिल। ओके जी, हियर वी गो, आई एम डन विद द आईब्रोज। नाउ आई एम यूजिंग आईलैशेस फोल्डर। एंड वाई एम यूजिंग आई लैशेज कर्लर, क्योंकि होता ही है कि गर्ल्स अगर आपकी आई लैश छोटी है तो वो इसको यूज़ करने के बाद बहुत ह्यूज इफेक्ट देती है, एंड बड़ी है तो डेफिनेटली फिर मज़ीद ह्यूज इफेक्ट देगी। दोनों में आपका ही फ़ायदा है जनाब। एग्जैक्टली, तो आपने आई लैशेज कर्लर को अच्छी तरह से यूज़ करना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये तो आपको यूज़ करना आता ही होगा, हाँ, बहुत ध्यान से कि आपकी आँख इसे हर्ट ना हो। ये यू कैन सी द डिफरेंस राइट नाउ। तो जब आप इसमें मस्कारा अप्लाई करते हो तो मज़ीद आपकी आई लैश जो है वो थिक दिखती है। सो नाउ आई एम यूजिंग वॉल्यूमिनस का मस्कारा, जो कि आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख चुके होंगे। आपके पास जो भी मस्कारा है आप यूज़ करें, डजंट मैटर एट ऑल। और एक चीज़ बस याद रखिएगा, हमेशा मस्कारा के 15 to 20 टाइम्स आप कोट लाजमी दें, इससे थिकनेस आती है, वॉल्यूम आता है आईब्रोज़ में। एंड आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं स्टार्ट टू टिप पर प्रॉपरली मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ बैलेंस के साथ, सब अपनी आईलैश के ऊपर, स्टार्ट से लेके टिप तक एंड बिल्कुल आई कॉर्नर के स्टार्ट से लेके लास्ट तक। तो इस तरह से आई एम डन विद द मस्कारा। ये आपको 2 मिनट मेकअप का ट्यूटोरियल आज दिखाया जा रहा है, होपफुली यू गाइस गोना बी लाइक इट। ओके जी, आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अ वाइट पेंसिल इनसाइड एरिया ऑफ माई आई। अच्छा जी, इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आपकी आँख अगर छोटी है तो वो प्रोमिनेंट होकर बाहर की तरफ जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, ठीक है, वाइड इफेक्ट देती है।
और अगर आपकी आँख बड़ी है तो मज़ीद वाइड इफ़ेक्ट देगी, तो दोनों तरह से अच्छी लगेगी। अच्छा जी, तो उसके बाद आई एम यूज़िंग मस्कारा ऑन लोअर आई लैशेज़ ऑफ़ माई आई। इससे क्या होगा कि दोनों आई लैशेज़ आपकी, जब आपने अप साइड और लोअर साइड पे अप्लाई मस्कारा किया होगा, तो बहुत एक खूबसूरत सी लुक आएगी, आपकी आईज़ जो हैं बहुत वाइड आएंगी, बंद आँख नहीं आएगी जी। तो आई लैश हमेशा, जो लोअर आई लैशेज़ होती हैं उस पर मस्कारा लगाना कभी भी मत भूला करें गाइस, तो इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक हो गया जी, तो अच्छी तरह से आपने मस्कारा अप्लाई करना है ऊपर एंड नीचे की पलकों पर, ताकि कोई भी स्पेस, कोई भी जगह ना रह जाए। ठीक हो गया, एंड हियर वी गो, आई एम डन विद द मस्कारा। एंड ये आंखें हैं मेरी बगैर लेंसेज के, बाय द वे गर्ल्स, एंड आफ्टर दैट यू विल सी द डिफरेंस के लेंसेज लगाने से पहले आपकी क्या लुक होती हैं लेंसेज लगाने के बाद। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी का, सॉरी इट्स अ किस ब्यूटी का हाईलाइटर जी, गोल्डन हाईलाइटर राइट नाउ आई एम यूजिंग, एंड इट्स अप टू यू बेसिकली। तो यू हैव टू शेड्स, आपके पास गोल्डन शेड होता है एंड सिल्वर शेड ही होता है, दो बेसिक शेड्स होते हैं, एंड इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो या आपके ड्रेस में कौन सा शेड या कौन सा कलर आ रहा है। तो ये मैं आपको गोल्डन हाईलाइटर अप्लाई करके दिखा रही हूँ जी। इनसाइड कॉर्नर में गोल्डन हाईलाइटर अप्लाई करने की वजह ये होती है कि इससे आपकी आँख वाइड लुक देती है। वंस अगेन, लाइक वाइट पेंसिल जो आप इनसाइड लगाते हो ना, इसी तरीके से इनसाइड कॉर्नर में जब आप अप्लाई करते हो तो बड़ा दूर से ब्लिंक कर रही होती है, एक बड़ा मज़े का अच्छा सा इफेक्ट आ रहा होता है। आई तो जस्ट लव हाईलाइटर, तो मैं तो इनसाइड कॉर्नर पे एंड आईब्रोज के नीचे जो आई बोन होती है वहाँ पर, जैसा कि भी आप देख रहे हैं, मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑन माय चीक बोन, नोज़ एंड अपर लिप्स, इन सब एरिया में हाईलाइटर अप्लाई करती हूँ। बहुत एक ग्लोई इफेक्ट आता है एंड बहुत अच्छा लगता है, चाहे समर जोन चाहे विंटर। ठीक हो गया जी, सो हियर वी गो, आई एम डन विद माई मेकअप लुक, टुडेज़ मेकअप लुक, जैसा कि आप देख रहे हैं। आई ऑल्सो अप्लाइड लेंसेज अवे हेयर, यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना फ़र्क पड़ता है लेंसेज अप्लाई करने से। एक आँख में शाइन आ जाती है एंड एक स्पार्क आ जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड यूज़ लेंसेज इन योर मेकअप, तो आपने परफेक्ट लगना है गर्ल्स। एंड इस मेकअप के साथ यू कैन गो एनी वेयर एंड इट्स अप टू यू, अगर आपको डार्क में चाहिए तो आप इस ब्राउन मेकअप के साथ कोई भी डार्क में लिपस्टिक शेड या ग्लॉस दे दो, एंड अगर लाइट में चाहिए तो डेफिनेटली आप लाइट में दे दो। ब्राउन शेड देने का मकसद ये था कि आंखों में एक डेप्थ क्रिएट हो जाए, जिससे आपकी आंखें जो हैं वो न्यूड बिल्कुल ना दिखे। हाँ जी, तो आज की वीडियो का एंड करेंगे एक अच्छी बात के साथ, दैट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट मीन कभी भी किसी भी इंसान को उसके ज़ाहिर से जज मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसी के अंदर क्या चल रहा है या वो कितना टूट टूट कर जुड़ रहा है या लाइफ के किस फेज से गुजर रहा है। तो अपने प्यारों का और अपना ढेरों ख्याल रखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर अ लॉट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो as much as you can, and also comment below if you wanna ask anything.